बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। जनाब यहाँ पे हमने तमाम वेजिटेबल्स को इस तरह छुरी की मदद से चॉप कर लिया है और बंद गोभी को भी मैंने इसी तरह जो है वो चॉप कर लिया है जी। तो यहाँ पे हमारे जो मुकम्मल इंग्रीडियंट्स है वो है, हाफ कप हमने इसमें बंद गोभी का लिया है, हाफ कप इसमें हमने खीरा लिया है, हमने खीरे को पील ऑफ नहीं किया, और हाफ कप ही हमने इसमें प्याज लिया है, हाफ कप हमने इसमें चॉप किया हुआ टमाटर लिया है, 1 टीस्पून इसमें हमने नमक लिया है और 1 टीस्पून ही हमने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब हमने जो कटलेट्स रेडी करनी है उसके लिए स्लरी बनाएंगे। 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का लिया है, 4 to 5 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करेंगे, ना इसको बहुत गाढ़ा बनाएंगे ना इसको बहुत पतला बनाएंगे जनाब। अब हमारा मेन जो काम है वो है इसकी बीफ बर्गर के लिए जो हमने टिक्की को प्रिपेयर करना है। हमने 1 kg यहाँ पे कीमा लिया है, 2 से 3 अदद हमने मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके उनका पानी अच्छे से हाथ की मदद से रिमूव कर लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप की हुई शामिल करेंगे, साथ ही हमने इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे, साथ ही हमने 1 टीस्पून इसमें सूखे धनिया का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसमें हमने अजवाइन डाली है, 1 अदद हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, साथ ही हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ड्राई रोस्ट किया हुआ हमने इसमें 1 कप जो है वो बेसन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से फिर हम इसको मिक्स करके इसकी कटलेट्स बना लेंगे। लें जनाब, तो यहाँ पे हमारी कटलेट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 3 अदद हमने बन लिए हैं, उनकी हमने इस तरह से कटिंग कर ली है और हम इनको तवे पे अच्छे से सेक लेंगे। साथ ही हमने एक प्यारा सा बाउल लिया है, 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा हमने इसमें मायोनीज ली है, साथ ही चॉप की हुई जितनी सब्जियाँ हैं वो हमने इसमें शामिल किए हैं, नमक काली मिर्च जो है हमने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे याद रहे कि आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस का ऐड किया है। तीनों चीज़ें हमारी अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी हैं, अब हम जो है इसका बर्गर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बन जो है वो ले लिए हैं, पहले उसके ऊपर मैंने सैलड क्लियर की है, फिर उसके ऊपर मैंने कटलेट्स रखा है, फिर मैंने सैलड क्लियर ली है और उसके ऊपर दोबारा से मैंने टिक्की को रखा है। इस तरह से हम इसकी डबल लेयर कर लेंगे। मज़ेदार सा बीफ बर्गर जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क में बेशुमार इजाफा करे, हम सब पे अपनी रहमतों का साया रखे और हम सब के अपनी जायज़ हाजात को पूरा करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी लेके हाजिर होंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।